सीहोर की, जहां पर भैरुंदा के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार युवक ग्राम श्यामपुर के आसपास गांवों में लाइनमैन के साथ विद्युत हेल्परी का काम करता था। कल भी वो खेत के हाईटेंशन लाइन के खंभे पर काम करने के लिए चढ़ा हुआ था और अचानक विद्युत आपूर्ति चालू होने से युवक को करंट लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को विद्युत पोल से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के परिजनों ने SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है और साजिश के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बाद हमको तुरंत मुआवजा दिया जाए। उक्त संबंध में मेरी संज्ञान में चीज आई है, परंतु जो व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हुई है वो हमारा कर्मचारी नहीं है और ना ही विभाग के अंतर्गत कार्य करने के लिए अधिकृत कभी रहा है। तो व्यक्ति कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं था, तो इसमें कुछ कार्रवाई संबंधित की जा रही है, जिसमें सेविंग ग्राम और जो भी हमारा प्रोसीजर है वो कर रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति शासकीय मतलब विद्युत विभाग या विभाग से संबंधित नहीं था। वो आउट मतलब कह सकते हैं कि वो हमारे संस्थान में अधिकृत नहीं था कार्य करने के लिए, तो ना ही कोई उसको अधिकृत पत्र आज तक। कल शाम को श्यामपुर गाँव में जो डंगरा के पास है वहाँ पर एक व्यक्ति खंभे पर चढ़ा हुआ था लाइन ठीक करने के लिए। उसी दौरान जो है उसमें लाइन चालू हुई और उसकी करंट लगने से जो गणेश आदिवासी व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ के ग्रामीण लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, परिवारजन आक्रोशित हैं और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि उनको मुआवजा दिया जाए और उनके खिलाफ जो है जो FIR हुई उनको अरेस्ट किया जाए। जी, ये आवेदन ग्राम श्यामपुर के हमारे एक साथी हैं गणेश बरकरे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ चले हैं और 2 महीने पहले जो मैंने संवैधानिक अधिकार यात्रा बुधनी विधानसभा में निकाली थी उसमें भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने मेरा साथ दिया है। जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि गणेश बरकरे जी कल रात को करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई, हुआ था उसके साजिश थे उसमें। पूरे विस्तार से बताएं आप क्या हुआ था। लाइट क्या करंट से मरा, वो इन्हें लाइट वाइट परमानेंट रबट लिए थे। किस लाइनमैन के साथ काम करते थे? रवि यादव के साथ। कल भी उन्हीं के साथ थे? हाँ जी सर, उन्हें बुला के ले गए यहाँ से घर से उसको। जी वो मेरे चाचा जी थे, वे प्राइवेट नौकरी में काम करते थे। किस लाइनमैन के साथ काम करते थे? प्राइवेट रवि यादव। तो जैसे घटना के दिन लाइनमैन खुद बुलाने आया था? जी साथ में थे, उनके दिन भर से काम कर रहे थे साथ में।